रजिया कहां फंस गई? अरे रजिया नहीं, रेखा। ये तो सर वो अमिताभ वाली रेखा। पूरी दुनिया में एक ही रेखा है क्या? हैं? और सर कहां है तुम्हारे? कौन सा? अबे तुम्हारा बाप। सर वो तो जंगल में। हाँ यार परम, तुम्हारी भी ना जबर किस्मत है यार, फ्री की दारू पीने आ गए ना। आओ बैठो बैठो। सर कहाँ इन चक्करों में लगे हुए हैं आप? क्या लगा रखा है? ये भैया का ना बर्थडे था। बर्थडे पैदा हो गए? हाँ पैदा हो गए। जंगल में मंगल कर रहे थे तो हमने सोची हम भी ज्वाइन कर ले। आ, तुम भी ज्वाइन कर लो। आ, बैठो। सर एक काम करो, आप जन्मदिन मनाओ, हम उधर मरमदिन संभालते हैं। अरे यार जी कल के लौंडे ये ना जंगल में बर्थडे मनाने आ गए। अरे कल को कुछ हो जाए अगर इनको या इस लौंडिया को हो जाए कुछ, तो जवाब तो पुलिस को देना पड़ेगा ना। नाच नाच। अरे यार परम, इतना अच्छा डांस चल रहा था यार, तुमने भगा दिया। सर ये देखिए, ये जलपरी कौन है? जलपरी नहीं है सर, रेखा है। रेखा कौन? अमिताभ वाली रेखा? मालिक पूरे संसार में एक ही रेखा है क्या? उस दिन याद नहीं है मोड़ पे अपन दौड़ के आई थी अपने पास? मेरा कोई पीछा कर रहा है, मुझे प्लीज बचा लीजिए। कहाँ है मैडम? भूत है क्या? कोई भी तो नहीं देख रहा। देख तो नहीं रहा। अरे मैडम, मैडम भाग गई। क्या हो गया इसको? सर इसके काम लग गया, वो थोड़े आगे लाश मिली है इसकी। अपन तो फंस जाएंगे यार, कि मदद मांगने आई थी और अपन नशे में धुत थे, इसीलिए तो हम दौड़े दौड़े आए आपके पास, कहीं आप नशे में पोंक ना दें। चलो कि वैसे ही बहुत हो गई है। चलो चलो जय। हाँ साहब। सुनो बे, डॉक्टर वकील और पुलिस से झूठ नहीं बोलते, इसलिए जो भी बोलो सच सच बोलना। और अगर झूठ बोले ना
तो आज के आज में बाकी दोनों की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। हमें नहीं करनी है किसी से शादी वादी। और जो लोग बातें बना रहे हैं उनका क्या? ये बातें करने वाले हमेशा आप ही को क्यों मिलते हैं? हमें तो कोई कुछ नहीं कहता। क्योंकि इन्हें पता है तेरे अंदर कोई लाज शर्म तो है नहीं, इसलिए हमारे प्राण खाते रहते हैं। तो तेरी माँ भी मर गई, अगर वो होती तो मुझे कम से कम जिल्लत तो नहीं झेलनी पड़ती। देखो बाबूजी, सारी जिंदगी इस गरीबी में निकाली है, अब शादी करके किसी अरे गहरे भिकमंगे के साथ में नहीं जाएंगे हम। भिकमंगा? भिकमंगा नहीं है वो, खुद की नौकरी है, मकान है, गाड़ी है, और तुझे क्या चाहिए? गाड़ी है, भोपाल, भोपाल में घर है, और गाड़ी भी है बड़ी वाली। गाड़ी कितनी बड़ी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सब कितना बड़ा छोटा है वो इम्पोर्टेंट है। हट पागल। अच्छा चल ये सब छोड़, ये बता जब वो भोपाल आएंगे तुम्हें बड़ी वाली गाड़ी में तो घुमाएगी ना? अरे हाँ बिल्कुल घुमाएंगे भी, और बढ़िया होटल में खाना भी खिलाएंगे। ये गाड़ी कितने की है? 20 लाख। 20 लाख? नमस्ते बुआ, ये हमारी धर्म पत्नी। ये तुम्हारा घर है? हाँ यही तो है। और वो गाड़ी? गाड़ी वो हमारे मालिक की है जिनके हम ड्राइवर हैं। तुम ड्राइवर हो? हाँ। हे भगवान, झूठ बोला हमसे, हमें तो कहा था नौकरी है, बड़ा घर है, गाड़ी है, तुम तो ड्राइवर निकले। अरे रेखा, हमने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। अब ये जो कुछ भी उल्टा सीधा बताया तुम्हारे बाप ने बोला होगा। अरे उसी का तो रोना है, ड्राइवर को मालिक बोल के हमें ब्याह दिया, गरीब पैदा हुए थे, गरीब ही मर जाएंगे। अरे ऐसा नहीं होने देंगे, उठो खड़ी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, आओ बैठो यहाँ पे बैठो। तुम्हारी जिंदगी शानदार कर देंगे हैं? अभी नई नई भोपाल आई हो, अभी एक दो दिन की छुट्टी लेते हैं, कहीं घूमने चलते हैं बाहर। और हाँ कल तुम्हें शॉपिंग भी तो करानी है, लेकिन रेखा शॉपिंग के बाद मीठा घर आके खाएंगे यहीं बिस्तर पे, ठीक है? ये देखिए सर, देखो अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है। ये कितने की भाई साहब? ये सिर्फ 15,000 रुपए की। थोड़ी कम की दिखाई ना भाई साहब। ये कितने की भाई साहब? ये सिर्फ 10,000 रुपए। सुनिए ना, थोड़ा और कम की दिखाइए ना। ये देखिए, ये देखो कैसी लग रही। ये कितने की? ये सिर्फ 5,000 रुपए। सुनिए ना भाई साहब, 1,000-2,000 के अंदर की दिखाइए ना। अरे मैडम आप कहाँ इस भिखार के चक्कर में पड़ी हुई हैं? मेरे साथ चलिए, आपको एक से बढ़कर एक साड़ी दिलवाऊंगा। तो बात कैसे कर रहा है तू? मेरी घरवाली है वो। अब घरवाली है तो घर में रखना, ऐसे कांचा पीस को लेके घूमेगा तो लोग तो बोले लगाएंगे ही ना। साले बात कैसे कर रहा है तू? जबान में लगाम नहीं तेरे? बोला ना मेरी बीवी है। अपने प्यार को बाल को संभाल कर रख, वरना ऐसे छलकाएंगे। तू समझ नहीं आ रही तेरे? क्या है सब काम के समय तू क्या है ये गुंडागर्दी कर रहा है? सब सब हमारी कोई गलती नहीं, हम तो हमारी बीवी को यहाँ साड़ी दिलाने लेके आए थे, लेकिन ये बदतमीजी कर रहा है। ऐसा व्यवहार करते ग्राहकों के साथ? गलती होगी विधायक जी। मैडम आप बैठिए ना। विधायक जी आप भी बैठिए। जय साहब, बनारसी के यहाँ से हमारे वाले पान लगवा के लो। अभी लेके आते आते। साड़ियाँ दिखाओ मैडम को। जी आई बैठिए, तो बैठिए ना। नाम क्या है तुम्हारा? रेखा। रेखा मैडम को साड़ी दिखाओ। जी नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों? रेखा जय हमारा कर्मचारी है,
और ये हमारी तरफ से शादी की गिफ्ट, दिखाओ अच्छी वाली। ये देखिए मैडम कितना सुंदर है इसका पल्लू, इसका पल्लू बहुत अच्छा दिखेगा। दूसरी दिखाओ, वो देखो ना कितनी शानदार साड़ी है, वो ब्लैक बॉर्डर वाली, वो देखो। हाँ ये है कमाल की साड़ी। मैडम ये देखिए इसमें सलमा सितारा लगा हुआ है। तो सलमा सितारे लगा के तुम अपने बदन में क्या करोगे, आसमान जमीन पे ले आओगे? अरे जिसके बदन पे लगानी है वहां लगाओ ना भाई, हम भी तो देखें कि साड़ी ज्यादा सुंदर है या रेखा जी। लगाइए उनके बदन पे, करिए करिए ट्राई करिए। ये ले आए सर पान आपका। बड़े जल्दी पान लग गए थे। हाँ सर। अच्छा सुन, अपनी बीवी को पार्टी ज्वाइन करो अपनी, ऊर्जा का भंडार है ये और हमारी पार्टी को आवश्यकता है इतनी ऊर्जा की। अरे नहीं सर, ये क्या करेगी ज्वाइन करके, इसके बस का नहीं है सब। अच्छा तुम्हें पता है कि ये क्या कर सकती है और क्या नहीं, तुम तो जानते हो ना। तो जो एक बार हमारे नीचे आ गया ऊपर तक गया, ऊपर जा सकती है। सुनो तो रेखा, अरे सुनो तू, एक बार फिर से सोच लो, तुम कहाँ ये राजनीति के चक्कर में पड़ रही हो। अरे विधायक जी बुलाए हैं ना हमें, तुम तो वो देख। जय कौन है मैडम? ये हमारी घरवाली है। विधायक जी कहाँ मिलेंगे? तुम यहाँ से सीधा जाके राइट लोगे ना, मिल जाएंगे। वैसे गुड लक। अच्छा है जे। अरे सुनो तो रेखा। जय वो हम शायद घर में गैस खुला छोड़ा है, तुम जाकर देख लो, हम बात कर लेंगे विधायक जी से। अरे गैस का तो ध्यान रखना चाहिए ना कम से कम, कहीं घर में आग लग गई तो कहाँ जाएंगे रहने। काम करेंगे सर, आप ही कहे थे ना आपके नीचे दुनिया के ऊपर। हमारे नीचे दुनिया के ऊपर, तुम कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो ना? ना समझ तो हम है ही नहीं सर, आप यहाँ क्यों बुलाए हैं पूरा समझ गए हम। हमने तो सिर्फ काम के लिए बुलाया था तुम्हें। तो हम भी तो काम ही की बात कर रहे हैं सर, वैसे भी जय कहता है हम काम बहुत अच्छा करते हैं और कामसूत्र और भी अच्छा। तुम्हें पता है ना कि तुम किसके सामने खड़ी हो, घाटे का सौदा हम कभी नहीं करते। तो ठीक है ना सर, आपके सौदे का शगुन आप मुनाफे से कर लीजिए। सोच लीजिए सर, ये तो बस शोरूम की झलक है, गोदाम तो अभी आपने देखा ही नहीं है। ठीक है ले ही लेते हैं तुम्हारे गोदाम का जायजा।
पसंद आ गया तो गोदाम भी हमारा और तुम भी। अनीता, रेखा जी को एक गाड़ी अलॉट करवाओ। क्या है आजकल इन्हें झटके बहुत लगते हैं तो बदन दुखता है ना खराब सड़कों के कारण, तो एक नई गाड़ी में जाएंगे आएंगे आराम लग जाएगा थोड़ा। कभी कभी गलती ड्राइवर की भी होती है, इधर उधर चला देते हैं ना जल्दबाजी में। तुम अलॉट करो और खबर करवाओ हमें, है ना। हमको क्या बेवकूफ समझा है, ये सड़क झटका रास्ते करती रहोगी और हमें कुछ समझ नहीं आएगा। रेखा, ये सब चल क्या रहा है? अब तो वही बीवी विधायक की खास बन गई है। पियो सालों, जी भर के पियो, आज बहुत खुश हूं मैं। जय। अरे अनीता, आज बैठना। नहीं नहीं, एक बात पूछनी थी तुझसे। पूछ। मुझे ये पूछना था कि तू हमेशा से इतना बेवकूफ है या तेरी बीवी रेखा से शादी होने के बाद बेवकूफ होने का नाटक कर रहा है? पर क्या बोल रही है, बिना पिए नशे में क्या तू? नहीं नहीं, मुझे ये जानना था कि तेरी बीवी रेखा में ऐसे कौन से हीरे जड़े कि वो विधायक जी की इतनी जल्दी खास बन गई। अब तू क्या जाने, अब विधायक जी ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना उसमें। कुछ नहीं, सब कुछ देखा है। विधायक जी का बिस्तर गरम कर रही है वो, और तू यहाँ बैठ के दारू पिला रहा है साला। क्या बकवास करती है, जा और दारू पी और इन सबको भी पिला। ये ड्राइवर कहाँ चला गया? ए सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो बोलना। विधायक का बिस्तर गरम करी ना तू? हाँ, तो अगर तुम मेरी हथेली गरम करते ना तो मुझे विधायक का बिस्तर गरम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो इंग्लिश दारू पिलाकर आ रहे हो ना, उसके पैसे भी विधायक का बिस्तर गरम करने से ही आए हैं। तो तुम्हारी औकात तो जहर पीने की भी नहीं है। और हाँ, आइंदा मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना हाथ से हाथ धो बैठोगे, फिर धोने में बहुत प्रॉब्लम होगी, समझे? जगदीश कहाँ हो? सच कह रहा हूँ साहब, रेखा और मेरी शादी बहुत दिक्कतों में चल रही थी। कहाँ थी अब तक? ऑफिस में थी, कुछ काम कर रही थी। अच्छा, रात भर ऑफिस में थी, है ना? ये मेरा घर है रेखा, अगर यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझी? अपना घर तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई खानदानी रही। वैसे ही समझ ले। हाँ तो ठीक है, मैं कोई तुम्हारी गुलाम तो हूँ नहीं, तुम्हारे इशारों पे नाचूंगी। रखो अपने पास अपना घर। झगड़ा करके गई थी? हाँ साहब, जब से उसने ये पार्टी ज्वाइन की थी ना, तब से उसका रुतबा बहुत बढ़ गया था। आइए तुम्हारे लिए सादर प्रणाम। जी तिवारी जी, आदेश करें, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? सेवा और सबके सामने? तिवारी जी, सांसद महोदय को पता होना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी और पारदर्शिता हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। विधायक जी, आपका और सांसद जी का झगड़ा पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है बाय इलेक्शन में। झगड़ा कैसे होगा तिवारी जी, बताइए? हम भोपाल के एक आम आदमी और आप दिल्ली के बादशाह। ऐसा है विधायक जी कि भविष्य में दिल्ली को और बादशाहों की जरूरत पड़ने वाली है। इस बार ये सीट आप हमारे लड़के के लिए छोड़ दीजिए, दिल्ली की सीट हम आपके लिए पक्की कर देंगे।
तिवारी जी, हम भोपाल में बेहद प्रसन्न हैं, बेहद। और इनके लड़के से पूछे, खड़ा होने की उम्र है क्या इसकी? बस भी करिए। देखिए विधायक जी, पार्टी ने मुझे खुद आपसे बात करने के लिए भेजा है, हमारी इज्जत तो रखिए। ये आप हमारे पिता तुल्य हैं, आपकी इज्जत कैसे नहीं रखेंगे हम? झूलेलाल जी, क्या कहते हो तुम इस विषय पे? अरे सर, मैं क्या बोलूं, आप इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, आप आपस में बातचीत करके ही कुछ बीच का रास्ता निकाल लीजिए सर। तुम्हारा नाम सही रखा है तुम्हारे पिताजी ने, झूलेलाल। झूलते रहते हो तुम ऐसे ऐसे, है ना? देख, हाँ तो रेखा जी आप बताइए। सर, लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन होती है, तो फिर आप लोगों की क्यों सुन रहे हैं? चुनाव लड़िए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाएंगे ना। वैसे भी सीट छोड़ के तो आप एक तरह से हार ही मान रहे हैं, चुनाव लड़िए, क्या पता जीत जाए। ऐसा है तिवारी जी कि दिल्ली तो हमारी है ही, भोपाल के बारे में भी हम देख लेंगे। एक सेक्रेटरी की सुन के आप हमारी बात को ठुकरा रहे हैं? पार्टी आपको निष्कासित कर सकती है। मुझे तो जैसे कुछ समझती नहीं थी वो। कहाँ गई थी? घर छोड़ के वो पार्टी के ऑफिस में रहने लगी थी। मैडम थी ना वहां की, 15 दिन तक घर नहीं लौटी, तो मैंने भी सोचा कि हो सकता है कि पार्टी के किसी काम से बाहर चली गई होगी। मैं सच कह रहा हूं साहब। सर, ऐसे इतने बड़े नेता पे आप हाथ डाल रहे हैं, फायदा करने के चक्कर में नुकसान मत कर बैठना। अबे चलो बे, तुम ना हर चीज में पहले ही रोने लगते हो। अरे यार, कुछ नहीं हुआ तो कम से कम जान पहचान ही हो जाएगी। ये ट्रांसफर में बड़े काम आते हैं नेता लोग। है? चल 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 चल, आजा। सर सोच लो एक बार। अरे हमने सोच लिया है, आओ। जय हिंद सर। जय हिंद। झूलेलाल जी, आपने इंस्पेक्टर साहब को बताया नहीं था कि रेखा पार्टी के काम से कहीं बाहर नहीं गई थी? हम बताए थे सर, लेकिन बोले कि आपसे काम है इसलिए। सर वो बात जो है कि 15 दिन पहले हमने किसी आदमी ने रेखा जी को देखा था, बहुत घबराई हुई थी सर, वो कोई पीछा कर रहा था उनका। आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो? हमारी काहे किसी से दुश्मनी होगी, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। और सर आप टेंशन मत लीजिए सर, अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो सबसे पहले हम आपको ही बताएंगे सर। सर उस आदमी को भी हम पकड़ लेंगे जो रेखा जी का पीछा कर रहा था। बिल्कुल सर। और सर सबको उगलवा लेंगे, मुझसे सब उगलवा लेंगे। नहीं नहीं, हमें टेंशन नहीं है कोई। अरे हमें काहे की टेंशन होगी भाई, वो झूलेलाल जी ने बताया अभी जनता से मुलाकात का वक्त हो रहा है ना। अरे सॉरी सर, वो पहली बार इतने बड़े आदमी से ऐसे बात कर रहे थे, नर्वस हो गए थे, सॉरी सर। जय हिंद सर। चल चल चल। मुझे लगा कि इस बारे में आप लोग को पता होगा, वो रेखा विधायक जी के साथ। हाँ हाँ, विधायक जी के साथ क्या सो रही थी, और शायद सांसद ज्ञानेश शुक्ला जी के साथ भी।